हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हों, अच्छी एनर्जी में हों, अच्छे मूड में हों। और आज मैं फिर आ गई हूँ कल की पुराण के नेक्स्ट स्टेप के साथ आप सबके सामने। तो जब भी कल की पुराण की बात होती है या मैं आपसे शेयर करती हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, बहुत हैप्पी होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। तो किसी ने एक सवाल पूछा था कि जो कथा करते हैं वो बहुत तथस्थ होते हैं या बहुत शांति से कथा करते हैं, वो हंसते नहीं है, मुस्कुराते नहीं है, तो आप इतना मुस्कुराते क्यों हैं, हंसते क्यों हैं? तो मैं और मुझे लगता है बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा। तो एक्चुअली जब आप कोई चीज़ सिर्फ पढ़ते हो, राइट, जब आप कथा सुनाते हो, किसी चीज़ को नरेट करते हो, तो आप बिल्कुल नॉर्मल रह के उसको नरेट कर सकते हो। लेकिन जब आप उसको महसूस करते हो, उसका जादू, जो डिवाइन का जादू है, जो एनर्जीज का जादू है, जो प्रकृति, भगवान या जिसको भी आप, जैसे भी आप इसको मानते हो, उसने उसमें जो जादू डाला है, उसमें जो गुड़ अर्थ डाले हैं, जब आप उनसे कनेक्ट करते हो, जब आप उनको समझते हो, वो एनर्जी आपके थ्रू फ्लो करती है, तो आप बिना मुस्कुराए, बिना खुश हुए, बिना एक्साइटेड हुए, बिना उस एनर्जी में आए नहीं रह सकते हो, क्योंकि आप उसे महसूस करते हो। तो मैं जब भी कल की पुराण आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं उसको महसूस करती हूँ। मैं सिर्फ उसको बोलती नहीं हूँ या सिर्फ कथा की तरह पढ़ती नहीं हूँ, हम उसके गूढ़ अर्थ में जाते हैं और बहुत कुछ है। जब आप महसूस करते हो तो आप डेफिनेटली उस एनर्जी को बहुत अलग तरह से नरेट करते हो, तो इसीलिए मैं ऐसे नरेट करती हूँ। तो ओके, सो कल की पुराण, मैंने आपसे पिछली बार बात की थी कल की, और मैंने बोला था कि जो कल की कॉन्शियसनेस की शुरुआत थी, कल की पुराण के हिसाब से कल की कॉन्शियसनेस की शुरुआत जो है वो हुई थी कोविड से। तो कोविड से लोगों के माइंड में जस्टिस, सही गलत, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सारे सवाल जो है वो जागना शुरू हो गए थे। और जो लोग भाग भी रहे थे, उनको कल्कि की एनर्जी ने डिफरेंट डिफरेंट तरह से डिफिकल्टी, टॉन्ट, अलग अलग तरह से उस एनर्जी को, कल्कि की एनर्जी को उसने वापस उस चीज़ में लाया कि क्वेश्चन करो, सवाल उठाओ। तो जो गांव का नाम था कल्कि ने जिन पे फर्स्ट अटैक किया था, वो गांव का नाम ही अपने आप में चाइना और चाइना की एक सिटी की तरफ डिनोट करता है। और लाइफ फोर्स एनर्जी जिससे ब्लॉक होना शुरू हुई जहां से, और लाइफ फोर्स एनर्जी मतलब आपकी जहां सांसें, जहां से ब्लॉक होना शुरू हुई, और कोविड का इफेक्ट सीधा सांसों पे था, तो वहां पे कोविड की एनर्जी की बात करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने बोला था कि एक वक्त आता है जब कल्कि वाकई में गिर जाते हैं, वाकई में ऑलमोस्ट मर जाते हैं, या वाकई में उनका ऑलमोस्ट उनकी एनर्जीज जो है उस तरह से पहुंच जाती हैं, और वो भी आप बहुत ब्यूटीफुली रिलेट कर पाओगे, मुझे पता है। तो मैं इसमें आगे जो है वो जा रही हूँ, मैं आगे कल की पुराण का वो वाला हिस्सा जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जीना, जिसको हमने बोला कि जो ग्रेट टीचर है, स्पिरिचुअल टीचर है, या जो जिसको आप एक तरह से लर्निंग की एनर्जी की तरह ले सकते हो, उस लर्निंग के चलते क्या होता है कि जीना जो है वो अपना ट्राइडेंट, त्रिशूल जो है वो कल्कि के घोड़े में मार देते हैं। जब आप त्रिशूल की एनर्जी की बात करते हो तो आप किसकी एनर्जी की बात करते हो? त्रिशूल होता है आपके शारीरिक मतलब आपके फिजिकल, आपके स्पिरिचुअल मतलब आपके दैविक, और आपके भौतिक मतलब आपके सांसारिक जो हैं, उनको वो दुख जो है वो ट्राइडेंट की एनर्जी होती है, वो त्रिशूल की एनर्जी होती है। तो बेसिकली आपके फिजिकल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और इकोनॉमिकल, मनी वाइज जो आप उन एनर्जीज की बात करो, तो उसको ट्राइडेंट की तरह आप ले सकते हो। और उसके साथ में जब ट्राइडेंट हॉर्स पे मारने की बात है, तो इसका मतलब है स्ट्रेंथ, कल्कि की जो स्ट्रेंथ है, कल्कि की जो डिटर्मिनेशन है, कल्कि की जो पावर है, कल्कि की जो अबिलिटीज है, उन अबिलिटीज को फिजिकल जो चीजें थी, चाहे वो यहाँ हम बात कर रहे हैं जिसने कल्कि के रूप में जन्म लिया, जो एक्चुअल में कल्कि एनर्जी है लेकिन अभी अपनी कल्कि एनर्जी को पहचान नहीं पाए हैं, तो उनकी हम बात कर रहे हैं जहाँ पे उनको वो इन चीज़ों में इंडल्ज हो गए या इन्वॉल्व हो गए, और फिजिकल मनी रिलेटेड या स्पिरिचुअल जो टेंशन थी या जो सिचुएशंस थी उनके लिए क्रिएट की गई, जो उनकी डिटर्मिनेशन पे भारी पड़ जाए या उनकी स्ट्रेंथ में भारी पड़ जाए। जब ऐसा हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि कल्कि पे तीरों की वर्षा की गई, मतलब बहुत सारी डिफिकल्टीज जो है वो एक साथ उन पर डाली गई, और साथ में काफी ज्यादा टॉर्चर जो है उसके थ्रू कल्कि को जाना पड़ा, और उस टाइम पे कल्कि अनकॉन्शियस हो गए, वो बेहोश हो गए या वो क्लोज टू डेथ हो गए, और वो गिर गए, वो गिर गए जब रणभूमि पे या अनकॉन्शियस हो गए, तो जीना ने कल्कि को उठाने की कोशिश की, विच मीन्स दैट वो कल्कि को पूरी तरह चेक करना चाहते थे या पूरी तरह मारना चाहते थे। तो वो एनर्जीज जो है या वो
स्पिरिचुअलिटी जो है उसने कल्की को फिर से एक तरह से हिलाने की, उठाने की, या वहां से ले जाने की, या कंप्लीटली एंड करने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त कल्की का शरीर इतना भारी हो गया कि वो उसको नहीं उठा पाए। तो जब जब कल्की के साथ फिजिकल लाइफ में, जो जो कि रविदास जी की कविता भी बोलती है कि फिजिकल लाइफ में वो मौत से जूझेंगे, या मौत कई बार जीते जी कई बार मरेंगे, तो वो सिचुएशन कल्की के लिए यहाँ पे दिखाई जाती है, जहाँ पे कल्की मरने की सिचुएशन में गए, लेकिन जो भी उस वक्त उनको वहाँ से हटाना चाह रहे थे या वहाँ से गायब करना चाह रहे थे, वो कल्की को उठा नहीं पाए, वो गायब नहीं कर पाए। तो वहाँ पे क्या होता है कि कल्की जो है, इसका मतलब है कि फिजिकल वर्ल्ड में कल्की जो है वो डेथ लाइक सिचुएशन जो है उसको फेस करेंगे या कर चुके हैं, और फिजिकली फिजिकल लाइफ की और स्पिरिचुअल या इकोनॉमिकल मनी रिलेटेड पेन्स से, डिफिकल्टीज से वो गुजरेंगे, विच मीन्स कि वो फेस करेंगे कि कैसे फिजिकल लाइफ में या मनी को लेकर कैसे लोग पागल हो जाते हैं, कैसे किसी का यूज करते हैं, वो सारे ट्रूथ्स जो हैं, वो सारी रियलिटीज जो हैं वो उनके सामने आएंगी। अब जब ऐसा हुआ तो उस टाइम पे किंग विशाखा युपा एक किंग का नाम बताया गया है, जो उस वक्त एकदम फुली अटैक करते हैं और वो कल्की को उठाते हैं वहां से, ग्राउंड से उठाते हैं। जब आप विशाखा युपा की बात करते हो तो विशाखा युपा के कुछ मीनिंग जो मुझे मिलते हैं, एक मीनिंग मिलता है स्टार्स या नक्षत्र, राइट? सो उनके नक्षत्र जो हैं, उनके जो स्टार्स हैं, वो उनको उस डिफिकल्ट सिचुएशन से बचा लेते हैं। और विशाखा जो होता है वो नक्षत्र होते हैं, और युपा जो होता है वो सैक्रिफिशियल पोस्ट होती है, मतलब सैक्रिफाइस, जहाँ पे किसी को सैक्रिफाइस किया जाता है। तो उनकी उनके जो स्टार्स हैं, उनकी जो नक्षत्र हैं, उनकी जो एनर्जीज हैं, वो उनको उस सैक्रिफाइस से बचा लेंगे। तो वो कल्की जो है फिजिकली सैक्रिफाइस नहीं होंगे, बच जाएंगे। दूसरा, वहाँ पे विशाखा युपा की जहाँ पे बात की जाती है, वो किसी ऐसी एरिस्टोक्रेट या वेल्दी या मनी वाइज बहुत स्ट्रांग वुमेन की एनर्जी भी बताते हैं, और साथ में ऐसा इंसान भी बताते हैं जिसके पास पैसा है, पावर है, जिसको ये पता था कि ये सेक्रीफाइस कहाँ होने वाला है, जिसको ये नॉलेज थी कि कल्की के साथ क्या होने वाला है, कहाँ होने वाला है, और ये वो इंसान जो है उस वक्त में कल्की को रेस्क्यू करते हैं या उस वक्त में कल्की को बचा लेते हैं। और ये एक लिटरल एनर्जी मुझे दिखाई दी, जो बहुत कोड वर्ड्स में लिखी गई है, लेकिन बहुत क्लियरली बताती है कि फिजिकल वर्ल्ड में कोविड के बाद फिजिकल वर्ल्ड में कल्की के साथ कुछ ऐसा होगा जहाँ पे कल्की फिजिकली टॉर्चर के उसमें जाएंगे, कल्की डेथ लाइक सिचुएशन में जाएंगे, और किसी के द्वारा कल्की को रेस्क्यू कर दिया जाएगा, और उस रेस्क्यू में कल्की के जो स्टार्स हैं वो भी वापस उनकी मदद करेंगे, और उसके बाद कल्की जो है वो कॉन्शियसनेस में वापस आएंगे। और जैसे ही कल्की कॉन्शियसनेस में वापस आएंगे, कल्की बहुत सारे लोगों को मारेंगे, और मारेंगे मतलब बहुत सारे टिबेटियंस को मारेंगे, लेकिन बुद्ध लोगों को मारेंगे, लेकिन बहुत सारे बुद्ध लोगों से मारने का मतलब है कि जैसे ही कल्की कॉन्शियसनेस में आएंगे, वो और ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और ज्यादा लोगों को अवेकनिंग की एनर्जी में पुल करना शुरू हो जाएंगे। तो उनकी अवेकनिंग की पावर जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, विच मीन्स कि कल्की जब डेथ लाइक सिचुएशंस में जाएंगे, और इन बिटवीन जब वो रेस्क्यू होंगे, उसके बीच की जो पावर है और उसके बाद की जो पावर है वो इमेंसली बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज जो बताई गई है कि कल्की के जो एसोसिएट्स हैं वो कैसे और किस तरह से बाकी लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, क्योंकि एक तो हैं जो कल्की के साथ डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जो अवेकनिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जो उस एनर्जी को डायरेक्ट समझना शुरू हो जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो बाकी के लोग किस तरह से अवेकनिंग की एनर्जी में आएंगे। तो वहां पे बताया गया है कि गर्ग्या जो किंग है, उसका जो कल्की के साथी हैं, वो उसका मतलब होता है ग्रोथ, विजनरी या स्पिरिचुअल पावर। तो 6000 के आसपास लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो धीरे धीरे उनकी विजन जो है क्लियर होगी और स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाएंगे, वहां से वो अवेकनिंग की एनर्जी में जाएंगे। दूसरा, भार्ग्या बताया गया है, और भार्ग्या जो है वो लकी, वॉरफेयर, रिवॉर्ड, फेट, सो बेसिकली किस्मत भी होती है। तो अराउंड 10 मिलियन जो लोग हैं वो अपनी किस्मत के कारण और वॉर के कारण, जो लड़ाई जंग जो होगी उसके कारण वो अवेकनिंग की एनर्जी में जाएंगे, जंग का रिजल्ट होगा या वॉर का रिजल्ट होगा, जहां पे उनको अवेकनिंग की एनर्जी आना शुरू होगी। फिर उसके बाद बताया गया है कि जो सेलेस्टियल अप्सरा, विच मींस जो ब्यूटी है नेचर की, जो नेचुरल एनर्जीज हैं, जो डिवाइन एनर्जीज हैं, जो स्वर्ग की एनर्जीज हैं, राइट? तो अराउंड 25,000 लोग जो हैं वो एक्चुअली जब उस एनर्जी को महसूस करेंगे, जो उस
उस चेंज को महसूस करेंगे कि कैसा होता है पॉजिटिव एनर्जी में जाना, तो वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद कवि और उनके सन बताए गए हैं, कवि जो पोइट एनर्जी है, जो सॉरी जो कल्कि के बड़े भाई के कल्कि की प्रीवियस एनर्जी जो है हम बोलते हैं, वहां पे लगभग 20,000 लोग जो है वो चेंज होंगे, विच मीन्स दैट जो वीर रस की कविता जैसे हम बोलते हैं, राइट। सो जब वो कविताएं निरेट होंगी, वो चीजें निरेट होंगी व्यंग्य के रूप में या दूसरे रूप में, जब कोई चीजों को निरेट करेगा और आप लोगों की समझ में आना शुरू होगी, तो उस तरह की पोइट्री से, उस तरह की ब्रांचेस से, उस तरह की चीजों से जो है वो 20,000 के आसपास लोग जो है वो चेंज होंगे। फिर उसके बाद एनलाइटनमेंट, प्रजना की बात आती है, तो एनलाइटनमेंट और ट्रुथ, मतलब वाकई ही एनलाइटन एनर्जी में जाना, सच को समझना, उससे अराउंड 1 मिलियन लोग जो है वो ट्रांसफॉर्म होंगे। और उसके बाद आती है सुमानता की एनर्जी, और सुमानता की एनर्जी बोलती है कि अपनी नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो हैं उनको सीखकर लगभग 500,000 लोग जो हैं वो नए वर्ल्ड की एनर्जी में, नई दुनिया की एनर्जी में, नए युग की एनर्जी में जाएंगे। तो अगर आप इनको टोटल करोगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा कि अराउंड कितने लोग जो हैं वो नेक्स्ट युग में या नेक्स्ट ईरा में जाएंगे। तो वो जो लोग नंबर कैलकुलेट करते हैं कि इतने लोग जो हैं यही जिंदा रहेंगे और यही आगे की एनर्जी में जाएंगे, वो नंबर्स भी कल के पुराण में बहुत ब्यूटिफुली दिए गए हैं। तो यहाँ तक मैं आज कवर करूँगी कि कल्कि और जीना, और एक्चुअली जो लिटरल डेथ लाइक सिचुएशन कल्कि या टॉर्चर जो कल्कि फेस करेंगे, और उसके बाद क्या होगा और कितने लोग जो हैं किस अलग अलग तरह से नई एनर्जी में जाएंगे। और इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक होगा कल्कि की वीडियोज़ में, एक्चुअली मेरी नॉर्मल वीडियोज़ में भी, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं होंगी फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, हफ्ता 10 दिन में अवेलेबल नहीं होंगी। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप कल्कि पुराण पढ़ें उतने टाइम में, देखें वो PDF और आपको क्या क्या मिलता है वो समझने की कोशिश करें। और जब मैं वापस आऊँगी तो हम और ज़्यादा गहराई में जाएंगे और डेस्टिनी को समझेंगे, इस कल्कि के शुरुआत जो हो चुकी है ऑलरेडी यहाँ पे, ये जो मैं अभी शेयर कर रही हूँ ये हो चुका है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है, कैसे कुछ लोग मनी एनर्जी में आएंगे, कैसे कुछ लोग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, कैसे कुछ लोग चीज़ों को भटकाने की कोशिश करेंगे लेकिन भटकाते हुए भी चीज़ों को सही रास्ते पर ले आएंगे, उसका भी वर्णन कल्कि पुराण में है। और मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगी अगली वीडियो में जब वो आएगी। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपकी हेल्प की हो, आपको समझ में आया हो, और अगर आया तो फीडबैक ज़रूर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।